सब्सक्राइब करिए हमारे ऑल इंडिया टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करिए रोजाना नई वीडियो देखने। दोस्तों अगर आप लोगों को यूनियन बैंक के अंदर अकाउंट है और आप लोगों को न्यू डेबिट कार्ड मिला है, वहां पे एटीएम मिला है, तो गाइस उसका आप लोग पिन जनरेट करना चाहते हैं, तो एटीएम मशीन के द्वारा कैसे पिन जनरेट करना है आप लोगों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग भली भांति सीख पाएंगे कि आप लोग अपना एटीएम पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे एटीएम मशीन के द्वारा। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। उससे पहले गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, फॉलो करना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी है गाइज इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, टेलीग्राम पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइज शुरू कर गाइज। सबसे पहले आप लोग एटीएम मशीन पर जाना है और अपना डेबिट कार्ड उसके अंदर लगा देना। जैसे ही लगा देते हो इस तरह का इंटरफेस आप लोग सामने आता है और आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, सेट एटीएम पिन ग्रीन पिन। सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, बगल में जो आपको बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा गाइस। आपको दिया गया है यहाँ पे ओटीपी जनरेट, ओटीपी वैलिडेट, तो सबसे पहले आपको ओटीपी जनरेट पर क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, सिंपली इस तरह से लिख के आएगा और आपके सामने एक पर्ची निकल के आ जाएगी। जो स्लिप आपको निकल के आएगी वो स्लिप आपको लेके अपने पास में रख लेना। फिर दोबारा से आपको अपना डेबिट कार्ड उसके अंदर डाल देना। दोबारा से डेबिट कार्ड डालने के बाद में सेम ऑप्शन वापसी से आएगा, सेम एटीएम पिन जनरेट, सेट एटीएम पिन जनरेट। सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है, बगल में जो बटन दिया गया। जैसे क्लिक करते हो अब आप लोग सामने वापसी से वही ऑप्शन आ जाता है। अब आपको नीचे ओटीपी वैलिडेट लिख के आ रहा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको यहां पे एंटर योर ओटीपी फॉर वैलिडेशन, सिंपली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहां पे चार अंकों का फुलफिल कर देना। जैसे फुलफिल कर दोगे आप लोगों के सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा गाइस। जिस तरीके से प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड, सिंपली ये लिख के आएगा। इसके थोड़ी देर बाद में आपको वेट करना है, यहां पे आप लोगों से न्यू पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग चार अंक का पिन यहां पे सेट कर लेना है। जैसे चार अंकों का पिन सेट कर लेगो उसको दोबारा से यहां पे री एंटर कर देना, री एंटर योर न्यू पिन, सिंपली वही चार अंक का पिन आपको यहां पे री एंटर कर देना। जैसे री एंटर कर दोगे आप लोगों का पिन जनरेट यहां पे हो चुका है, देख लीजिए गाइस। प्लीज वेट while your transaction is being proceed, processing में है guys, आप लोगों का नीचे आप लोगों को दोबारा से एक slip मिलेगी और आपका pin generate यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपना डेबिट कार्ड का न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं एटीएम मशीन के द्वारा। गाइज देख लीजिए आप लोगों को बताया गया पिन चेंज कंप्लीट, प्लीज टेक योर रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, आपने रिसिप्ट ले ली है, आपका पिन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इस तरीके से आप लोग अपना पिन जनरेट कर सकते हैं एटीएम का, जो कि आपका न्यू डेबिट कार्ड आपको मिला होगा। तो गाइस आप लोग भली भांति सीख पाएंगे किस तरह से आपको जनरेट करना। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, कॉमेंट भी जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अन अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।